Hello bachcho let's see the question which one of the following is correct option a lymph equals to plasma plus rbc plus wbc option b plasma is equals, uh, blood is equals to plasma plus rbc plus wbc plus platelets option c plasma is equals to blood minus lymphocytes option d serum equals to blood plus fibrinogen so firstly see about the key concept of this question and here we are going to discuss about the blood देखो जो ब्लड होता है इट इज़ अ फ्लूड कनेक्टिव टीशू ब्लड एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है और अगर हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखें तो ब्लड में हम देखते हैं ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा जो कि टोटल ब्लड का 55% परसेंट है और ब्लड में प्रेजेंट होते हैं फॉर्म एलिमेंट और ये फॉर्म एलिमेंट टोटल ब्लड का 45 परसेंट होता है ऑलमोस्ट प्लाज्मा के अंदर हम देखते हैं प्रेजेंट होता है वाटर 90 से 92 परसेंट तक प्लाज्मा में वाटर है और प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है थ्री प्रोटीन फाइब्रीनोजन प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन ये तीनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती हैं ठीक है जो कि टोटल सिक्स टू एट परसेंट होती है टोटल प्लाज्मा का अगर हम बात करें फॉर्म डेलीमेंट की तो फॉर्म डेलीमेंट में हम देखते हैं आरबीसी आती है डब्ल्यू आती है और प्लेटलेट्स आती हैं ये प्लाज्मा का ये फॉर्म डेलीमेंट का कॉम्पोजिशन है अगर हम बात करें लिम्फ की तो लिम्फ जो है इट इज अ कलरलेस फ्लूड ड्यू टू द एबसेंस ऑफ आरबीसी, ठीक है ये कलरलेस फ्लूड होता है एंड इट कंटेन्स इट कंटेन्स स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स इसके पास लिम्फोसाइट्स होती हैं लिम्फोसाइट्स लिम्फ जो होता है इट इज अ अंटस्टिशियल फ्लूड और इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन प्लाज्मा के जैसे ही होता है ठीक है इट हैज द सेम इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा एज दैट इन्स प्लाज्मा अगर हम बात करें सीरम की तो सीरम क्या है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम प्लाज्मा से जब क्लॉटिंग फैक्टर को अलग कर देते हैं तो उसे सीरम कहते हैं नाउ सी द क्वेश्चन तो इन्होंने कहा है कि लिम्फ में प्लाज्मा प्लस आरबीसी और डब्ल्यू बी सी है लिम्फ में डब्ल्यू बी सी है प्लाज्मा है बट आरबीसी नहीं है दैट्स वाई लिम्फ इज कलरलेस तो ये इनकरेक्ट हो गया इन्होंने कहा है कि ब्लड में प्लाज्मा है यस आरबीसी है यस डब्ल्यू बी सी भी है और प्लेटलेट्स भी है तो बी यहाँ पे करेक्ट है इन्होंने कहा है कि प्लाज्मा जो है ब्लड में से लिम्फोसाइट माइनस कर दो तो देखो ब्लड में से सभी आरबीसी डब्ल्यू प्लेटलेट्स को माइनस करना है ठीक है डब्ल्यू का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स तो ओनली लिम्फोसाइट्स में से माइनस नहीं करना ठीक है सीरम अभी हमने देखा कि सीरम क्या है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर तो फाइब्रीनोजन क्या है क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन तो वो ब्लड नहीं है प्लाज्मा में से माइनस करना है तो सीरम भी यहाँ पे इनकरेक्ट है तो हेयर फाइनली करेक्ट आंसर इज ऑनली ऑप्शन बी Hope you understood it well. Best of luck.